हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक अच्छा ही हेल्दी डिश लेके आई हूँ, जो कि है झटपट चटनी, जिसे हम ब्राह्मी लीव्स के मतलब ब्राह्मी लीव्स मतलब मुस्कैनी भाजी से बनाएंगे। ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड, तो इसे हम चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं डेली अपने खाने में। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ साथ ही ये आपके दिमाग को भी तेज करता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और हम इसे कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है, तो चलिए फ्रेंड इसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, ब्राह्मी लीव्स का चटनी बनाने के लिए मैं एकदम इजी रेसिपी बना रही हूँ, जो कि फट से बन जाएगा। ये देखिए ब्राह्मी लीव्स है, ये थोड़ा सा लहसुन ले लीजिए और मिर्ची और धनिया और ये नमक स्वाद अनुसार नमक और एक नींबू, इन सारी सामग्री नींबू बस को छोड़ के हमें सारी सामग्री को मिक्सी जार में लेके पहले इसे ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, सारी सामग्री को मैंने ये जार में ले लिया है। अब चाहो तो आप इस नींबू का रस भी इसी में पहले आप डाल सकते हो। ये आधा नींबू मैंने डाल दिया, अगर थोड़ा ज़्यादा खट्टा खाना है तो आप पूरे नींबू को डाल सकते हो, और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, इसे मैं ग्राइंड करके एक बाउल में ले ली हूँ। इस टाइप से आपको ग्राइंड करना है। अगर आप चाहो तो इसमें तड़का लगा सकते हो, मैं इसे तड़का नहीं लगाऊंगी, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखा ना फ्रेंड, ब्राह्मी का अगर डेली यूज़ में आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं, और ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। तो आप किसी न किसी रूप में इसे खाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी फ्रेंड, ज़रूर बताइए। और मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मेरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपसे अगले रेसिपी मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।